हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेंगे। वैसे तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने उसमें कवर करे नहीं हैं बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए, जिनकी अभी अभी जिन्होंने जो है स्पीड पर आना स्टार्ट किया है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके पॉइंट्स मैं इसमें नहीं डालूंगी। अननेसेसरी मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, शॉर्ट हैंड सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उनको होप कहीं पर लूज़ नहीं करना है। अगर वो होप लूज़ करेंगे तो फिर वो परेशान रहेंगे, फिर उनकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी और ना ही उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्या होता है ना, जब हम काफ़ी टाइम से शॉर्ट हैंड को कर रहे होते हैं विद स्पीड, चाहे कोई भी स्पीड 80 WPM 100 WPM, अगर उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मेरे बस की नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अब तक जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, हर किसी की अपनी अपनी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। मैं आपको अपने तरीके से कुछ बताऊंगी, अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अपना ही कंटिन्यू रखना। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से थोड़ा सा कम समय लेकर अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करी है। तो आप सबसे ज़रूरी, अपनी होप को बिल्कुल भी लूज़ मत करिए, आज नहीं तो कल एक्यूरेसी भी आएगी, स्पीड भी अच्छी बनेगी, ठीक है? सो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब तक आपकी एक अच्छी खासी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो जाती तब तक आपको एक ही मैगजीन फॉलो करनी है, और कोशिश करिए एक ही स्पीकर को भी फॉलो करें। एक्यूरेसी से यहाँ मेरा मतलब ये है कि जब तक आपकी एरर परसेंटेज 10% के आसपास तक नहीं आ जाती तब तक आपको एक ही जो है मैगजीन वो फॉलो करनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जैसे आप वैसे ही अभी आप लिख नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए आप केसी फॉलो कर रहे हैं, केसी फॉलो करते करते आप बीच बीच में आप प्रोग्रेसिव उठा ले रहे हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इसलिए इससे बेटर है कि आप तब तक एक ही मैगजीन को फॉलो करिए, उसके अलावा यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको कोई और डिक्टेशन मिल रही है तो आपको नहीं उठाना है, आप उसी मैगजीन को कंटिन्यू रखिए। जो भी स्टूडेंट्स SSC स्टैनो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो KC को फॉलो करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सबसे पहले GD बिस्ट से स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो अच्छी बुक है आपके कॉन्फिडेंस को, ये दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, सॉरी मैगजीन है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ है, आपको हमेशा अनसीन मैटर्स करने हैं, कभी भी आपको सीन मैटर्स नहीं लगाने हैं। जो स्टूडेंट्स अभी अभी बेसिक्स ख़त्म करके आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी सीन मैटर्स ना लगाएं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने वॉल्यूम 1 का मैटर 1 स्टार्ट किया, आप बैठ के पहले उसे पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। आपने इतनी बेसिक्स कंप्लीट करी है, पूरी बेसिक्स ख़त्म करके आप आए हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा। कुछ चीज़ें तो आप एक मैटर में होते ही क्या है, इन द ऑफ द, ये सब होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो आप कर ही सकते हैं, तो आपको उसको पूरा मैटर को दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो आप डायरेक्टली अनसीन मैटर से ही शुरुआत करेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपकी डिज़ायर्ड स्पीड है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीड पर आप डिक्टेशन नहीं लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको अचीव करना है 80 WPM, तो आप 80 WPM की स्पीड पर डिक्टेशन नहीं लेंगे, आप 90 WPM की स्पीड पर डिक्टेशन लेंगे। अगर आप 100 की अचीव करना चाहते हैं तो आप 100 की ना लेके 110 WPM की स्पीड पर डिक्टेशन लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आपके जो ईयर्स हैं ना, इनको ना सुनने की आदत लगवा दो। जैसे आप 80 की स्पीड पे लिख रहे हैं, आप 90 में सुनने की ऐसी आदत लगा दो कि आपको 80 कुछ लगे ही ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप 90 की स्पीड में लिखते रहिए, जब आप 90 की स्पीड में लिखते हैं पहले तो आप जितने भी मैटर्स हैं 10-12 मैटर्स 90 में लिखिए, फिर उसके बाद जो 11th मैटर है 12th मैटर है वो 80 में लिखिए, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है? तो आपको जो अपनी स्पीड है उससे ज़्यादा की स्पीड पर डिक्टेशंस लेनी है। एक और चीज़ उसमें मैं ऐड करूँगी वो ये है कि आपको ना प्रैक्टिस डेली रखनी है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी स्पीड अचीविंग वीडियोस देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करें, चाहे एक ही मैटर करें लेकिन करें ज़रूर। अपना जो फ़्लो है उसको तोड़िए मत, अगर आप फ़्लो तोड़ देंगे सब खराब हो जाएगा। मैं आपको वही पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में जिनको फॉलो किया है।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें प्रैक्टिस में, ओके। चौथा पॉइंट ये है कि आपको आपकी एरर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अब तक अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये चल रही थी कि आप 100 WPM की स्पीड को अचीव करना चाहते हैं और आप 100 WPM पे ही डिक्टेशन ले रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी अब आपको चेंज करनी है, 110 की जो स्पीड है उस पे डिक्टेशन लेना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब आप 110 की स्पीड पे, एक एग्जांपल है, आप डिक्टेशन देंगे, ठीक है, सपोज़ कर लीजिए, या 90 WPM की स्पीड पे अगर आप डिक्टेशन लेते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। एरर्स आपकी फुल आएंगी, मतलब ये मान के चलिए अगर 500 वर्ड का मैटर है तो करीब करीब 250 से 300 गलतियाँ होंगी, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, थोड़ा सा कम होगी, 100 गलतियाँ पहुँचेंगी, या चलो 300 भी हो जाती हैं गलतियाँ, या इससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, गलतियाँ होने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गलतियाँ कितनी हो रही है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप पूरा मैटर लिख लेते हैं, ठीक है, अब आप उसे साइड रखिए, आपको उसको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आएगा, वो आपने पूरा लिखा ही नहीं है सही से। तो आपको करना क्या है, आपके पास PDF होगी, ठीक है, मैगजीन की, फ़ोन में हो चाहे वैसे हो, तो आपको क्या करना है, आपने देखा होगा जो मैगजीन्स होती हैं, एक तरफ जो है शॉर्ट हैंड मैटर इंग्लिश में लिखा होता है और दूसरी तरफ उसका जो है आउटलाइन बनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट साइड से वो मैटर पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आप ऊपर से तो पढ़ना जैसे ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके साइड में आपको देखना है कि वो आउटलाइन कैसे बनाई गई है, हर एक वर्ड की आउटलाइन किस तरह से बनाई गई है। इस तरह से आपको जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो नोट कर लेने, और फिर उसी के साथ साथ उसी मैटर में आपको कुछ फ्रेजेस भी दिखेंगे, ठीक है, वो फ्रेजेस भी आपको नोट करने हैं। ऐसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फ्रेजेस की उसमें, ठीक है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट हैंड में फ्रेजेस को नहीं सीखेंगे तो फिर आप शॉर्ट हैंड में एक अच्छी स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करके चलनी है और इन्हें अच्छे से रिवाइज़ करना है, ये नहीं कि सिर्फ लिख के रख दिया है, आपको इन्हें रिवाइज़ भी करते चलना है। मान लीजिए एक टाइम के बाद आपके पास जो नोटबुक होगी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें पेजेस भर चुके होंगे आपकी प्रैक्टिस से, तो फिर आपको उसको ना पार्टली रिवाइज़ करना है, जैसे आज 10 वर्ड्स रिवाइज़ कर लिए, कल फिर 10 क्या कहते हैं फ्रेजेस रिवाइज़ कर ली, इस तरह से आपको रिवाइज़ करते चलना है, इस तरह से जो आपकी प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करनी है, ठीक है, तभी आपका जो है इस पे पकड़ आ पाएगी। तो इस तरह से मैटर को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है, भले ही आप एक दिन में एक मैटर करिए लेकिन आपको इसी तरह से ही फॉलो करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स घर पे जो है शॉर्ट हैंड करते हैं, मैटर्स की प्रैक्टिस करते हैं मेरी तरह, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ एयरफोन पे प्रैक्टिस ना करें। चले कभी तो चलता है, कभी कभी आपने कर ली एयरफोन से प्रैक्टिस, लेकिन आप इसको हैबिट मत बनाइए। इसकी जगह आपको करना क्या है, आप एक कोई भी स्पीकर ले लीजिए, छोटा सा मिलते हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा, आप कोई भी छोटा सा स्पीकर ले लीजिए और उससे डिक्टेशन लें आप, ठीक है, उससे आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके उससे आप डिक्टेशन लें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा इस साल SSC की कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है स्पीकर्स को लेकर के, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसी चीज़ को मेंटेन रखें, ठीक है, आपको एक स्पीकर लेना है और उस स्पीकर को अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है, ये नहीं कि आपने स्पीकर लिया है उसको बिल्कुल कान के पास रख के आप सुन रहे हैं, नहीं, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है, आवाज़ थोड़ी बढ़ा लेनी है और फिर इस तरह से आपको डिक्टेशन लेना है। ऐसे में क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है, आपकी एक आदत रहेगी स्पीकर पे सुनने की, तो सो दैट जब आप वहाँ पे बैठेंगे एग्ज़ाम में तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब जो मैं आपसे बात कहने वाली हूँ वो तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, वो ये है कि अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं, जो कि अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए, डेली पढ़ाई करते हैं तो आपको डेली पढ़ाई के साथ साथ डेली एंटरटेनमेंट भी रखना है, चाहे तो आप बाहर घूमने जाइए, खेलिए कूदिए, चाहे आप घर में बैठ के TV देखिए, ठीक है, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी लाइफ में आपको एंटरटेनमेंट रखना है। अगर आप मेरी तरह ओवरथिंक करें, ठीक है, तो आप बिल्कुल ही रखिए, फिर तो आपको हमेशा ही मैं आपको एडवाइस करूँगी आप एंटरटेनमेंट डेली बेसिस पे रखिए, ठीक है, आपको ज़्यादातर हंसने वाली चीज़ें देखनी है, ठीक है, सो दैट आपका एक माइंड जो है कूल डाउन रहे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही मेरी तरह ओवर थिंकर है, तो अगर नहीं है तो फिर तो कोई कुछ भी आप करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आप कोशिश करिए आपको कॉमेडी वाली चीज़ें ज़्यादा देखें, ठीक है, इससे आपका माइंड जो है कूल डाउन रहेगा और आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही चलेगी, ठीक है। ये छोटा पॉइंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ये है कि जब भी आप डिक्टेशन लेंगे आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको रखनी है वो है
कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हिला तो बस फिर वहाँ पे आपका सारा काम ख़राब हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिक्टेशन लिख रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है दीपिका का लेटेस्ट फ़ोटोशूट। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे स्पीड राइटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता कैसे है? देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स जो भी मॉर्निंग में उठते हैं, मैटर करता है कि आप मॉर्निंग में उठते ही क्या देख रहे हैं। आप मॉर्निंग में उठते ही स्टडी कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ठीक है, उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं चल रहा होता, आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप उठते ही देखते हैं बीबी की वाइंस, ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो आपके पूरे दिमाग पूरे दिन भर दिमाग में चलेगा ही, यही सब तो चलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में उठते ही ऐसी कोई भी चीज़ ना देखें जो आपका पूरा दिन का रूटीन ख़राब कर दे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर है। एक्यूरेसी आपकी कॉन्सेंट्रेशन से ही आएगी ज़्यादातर। ठीक है, आप ध्यान दे देना, कुछ टाइम बाद जब आप कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा तो आप देखेंगे आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी हो गई है और आपकी स्पीड भी मेंटेन हो गई है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है और बहुत ज़रूरी है ये भी, और वो ये है कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है आउटलाइंस बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं और गैप ज़्यादा रखते हैं दो आउटलाइंस के बीच में। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो आउटलाइंस है वो छोटी छोटी बनानी है। कैसे बनानी है मैं भी आपको डेमो भी दूंगी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको। सो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप अपनी आउटलाइंस को जो है शॉर्ट रखें स्टार्टिंग से ही। इवन जो बेसिक अभी स्टार्ट करने वाला है, कोई आपका फ्रेंड है, आपका भाई है, बहन है, जो बेसिक स्टार्ट करने वाला है उसको बता दीजिए। कई टीचर्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग से बच्चे की आदत लगाते हैं बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाने की, फिर कहते हैं कि बाद में वो छोटी छोटी बनाए। जब आदत लग चुकी होती है फिर वो छूटती नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आपको स्टार्टिंग से ही जो है शॉर्ट आउटलाइन बनाने की आदत रहे। ठीक है, देखिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ अब। जैसे मैं एक पर्टिकुलर कोई भी मैटर उठाती हूँ, जैसे आपका लिखा है ये मैनी रिप्रेजेंटेशंस ऑन दिस मेमोरेंडम वर ड्यूली रिसीव्ड। अब आप लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स वो इस तरह से लिखते हैं मैनी रिप्रेजेंटेशंस ऑन दिस मेमोरेंडम वर ड्यूली रिसीव्ड। अब देखिए आपने ये जिस तरह से हम ये आउटलाइन बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे बनाती हूँ अब आप ये भी देख लीजिए। मैनी रिप्रेजेंटेशंस ऑन दिस मेमोरेंडम वर ड्यूली रिसीव्ड। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप आउटलाइंस को छोटा रखेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो जल्दी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर आपको स्पीड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे मैंने कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी स्पीड पे आ चुके हैं वो नोटपैड को नहीं फॉलो करेंगे, आपको स्पायरल रजिस्टर को फॉलो करना है। स्पायरल रजिस्टर के अलावा और कोई भी नोटबुक आप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, स्पायरल रजिस्टर पे आपको किस तरह से डिक्टेशंस देनी है इसका एक तरीका मैंने बताया है, वो अननेसेसरी मैं इस वीडियो में नहीं डाल रही क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या फिर इस वीडियो के एंड में आपको एक कार्ड दिख जाएगा उस वीडियो का। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को पूरा देख लें कि स्पायरल रजिस्टर पे आपको किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपकी कुछ चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको ऑलवेज़ रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बाकी चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ना करें लेकिन वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेजियोग्राफी की वीडियो आ रही है जल्दी। थैंक यू सो मच।